हेलो भाई लोग, कैसे हो सब लोग। भाई आज कुछ नया करेंगे चैनल पे। गेमिंग नहीं, आज आपको लग रहा होगा क्या वीडियो डाल दिया पेज दिखा के यूट्यूब का, वो तो हम सब देखते हैं ऐसे ही रेगुलर। भाई क्या कर रहे हो ये सब, ठीक है ना। तो ये कोई गेमिंग रिलेटेड वीडियो नहीं है गाइस। आज मैंने कुछ, अभी जॉब से आया, मैं वर्क से आया और मैं ऐसे यूट्यूब मोबाइल में देख रहा था और एक वीडियो मैंने देखी तो मुझे कुछ लगा कि यार नहीं यार, आई नीड टू डू समथिंग, मेक समथिंग एंड सी अगर ये बात में वीडियो के द्वारा किसी को समझा पाऊं, ठीक है ना। तो वही बोलूंगा और कुछ नहीं। ये वीडियो एक फेलो यूट्यूबर का है, ठीक है। अगर आप जानते हो इनको तो क्रिंजर, ठीक है, काफी लोग जानते होंगे शायद। ये भाई साहब ने आज एक वीडियो डाली है 11 घंटे पहले, ठीक है, और 10,000 व्यूज तो हो चुके हैं उनको, काफी लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो ये भाई साहब ने एक अपना चैनल बनाया था जिसका नाम, जिसपे बेसिकली वो रोस्टिंग के वीडियो डालते थे। रोस्टिंग यानी स्पेशली विद द गर्ल्स, लाइक गर्ल्स के ज्यादा रहते थे और बहुत गंदी टैगलाइन रहती थी यार, बहुत गंदी। मैं बोलूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने उनको सब देखा था तो सब्सक्रिप्शन बनाओ तो वो देखता है यार, ठीक है ना। तो कई बार लगा कि उनको मैसेज करूं या बोलूं जब वीडियो बनाते थे, लेकिन उनका हर एक वीडियो में वही रिप्लाई रहता था। कोई अगर उनको अच्छी बात बोलना चाहता था तो उनको वही गाली गलौच देके वो उसको लाइक रिफ्यूज कर देते थे। तो मैंने लगा कि यार चलो भाई कुछ है, पता नहीं क्या करे अभी इनका। काफी गंदी वीडियो बनाते थे, गंदी यानी मैं बोलूंगा यार, रोस्टिंग की वीडियो नहीं थी वो, पूरी गाली गलौच वाली वीडियो रहती थी और किसी की माँ पे, किसी की लाइक सिस्टर पे या खुद जो गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स यूट्यूबर के लिए वीडियो रहती थी। जैसे कृतिका प्लेज हो गए, पायल गेमिंग हो गए, ठीक है, वैसे बड़ी बड़ी गर्ल्स को कनिका गेमिंग हो गए, ठीक है, सबके लिए बोलते रहते थे यार इसका चक्कर इसके साथ है, इसका चक्कर। अरे भाई किसी के भी साथ हो क्या फर्क पड़ता है यार, उनकी लाइफ है, दे लाइक ईच अदर, देन व्हाई शुड वी वरीड अबाउट इट, गुड फॉर देम। भाई क्या फर्क पड़ता है यार, उनकी लाइफ है, उनको जो अच्छा लगे वो करेंगे, सब फ्री कंट्री में रहते हैं ना। तो ये चीजें थी, लेकिन काफी वीडियो उनकी आई, फिर बीच में उनकी एक भी वीडियो आई थी कि भाई पायल गेमिंग ने कुछ उनको क्लेमिंग, डिस्क्लेमर वगैरह कुछ या कॉपीराइट दे दिया था तो उन्होंने वो वीडियो हटाई थी। उसके लिए भी कुछ उन्होंने वीडियो बोले थे अभी ऐसे वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर भी उनका सेम सिलसिला चालू रहा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहती थी उनकी, एक या 1 मिनट से ज्यादा तो शायद ही रही होगी, छोटी छोटी वीडियो ही बनाते थे, ज्यादातर शॉर्ट्स जैसे वीडियो रहती है वैसे। तो अभी कुछ उनका वीडियो था, उनमें मैं प्ले नहीं करूंगा क्योंकि थोड़े इमोशनल है भाई साहब, बहुत इमोशनल है और ऐसा लग रहा था वीडियो सुनने के बाद कि भाई इन्होंने, इनको अपनी गलती बहुत देर से पता चली उन्होंने क्या गलती की है, ठीक है ना। हो सकता है शायद इनके ऊपर केस हो चुका हो या फिर कोई कुछ और हो चुका हो, लीगल एक्शन हो चुकी हो जो रखने के लिए उन्होंने वो सारी वीडियो अभी प्राइवेट या डिलीट कर दी, आई हैव नो क्लू, ठीक है। लेकिन ये भाई को थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इनको हेट था, गर्ल्स गेमिंग की तरफ से हेट था, काफी सारा हेट था भाई। गर्ल्स गेमिंग तरफ से काफी सारा हेट रेट चलता रहता था इनका। तो ऐसा था, वो बहुत गंदा बनाते थे वीडियोज, लाइक यार बहुत गंदी बातें भी बोलते थे वीडियो में। तो भाई मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यार आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आप अभी बोल रहे हो, प्लीज माफ कर दो, लेकिन आपको शायद आपकी गलती बहुत लेट पता हो चली हो, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कुछ लीगल एक्शन भी हुआ हो सकता है आपके ऊपर, क्योंकि आप सबके नाम के साथ, फोटो के साथ कुछ ऐसी चीजें टैगलाइन में लिखते थे, आपके लाइक टाइटल में ही लिखते थे जो गलत है। तो इंडिया में सभी लोग, जो भी लोग ऐसे रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए अपना चैनल शुरू करते हो या कर रहे हो, तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा एज अ व्यूअर्स, क्योंकि मुझे रोस्टिंग वीडियो देखना अच्छा लगता है। तो एज अ व्यूअर्स मैं अपना खुद का सजेशन दूंगा भाई कि ये रोस्टिंग यानी यार कि ऐसा नहीं होता कि किसी को जाके गाली दे दो, तुम जाके गालियां दो यार, ठीक है ना। रोस्टिंग यानी किसी की खिंचाई करो, खिंचाई यानी इस हद तक करो कि वो इंसल्ट हो जाए, लेकिन वो सामने वाला इंसल्ट होने के बाद भी उसको बुरा ना लगे, वैसी रोस्टिंग करो यार, इंसल्ट करो। लेकिन तो मजाकिया, जो मजाक करते हो ना, जस्ट खिंचाई मजाक करते हैं, हाँ, उसको लाइक जस्ट प्ले विद दैट पर्सन, प्ले विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। पूरा रोस्ट करो यार गंदी तरीके से, मुझे आती नहीं है, नहीं तो मैं खुद करने बैठ जाता। लेकिन ये चीजें हैं, तो ये भाई साहब का कुछ डिफरेंट था। और क्रिंजर भाई, मुझे तेरे से कोई पर्सनल बैर वगैरह है नहीं, आई फील रियली फील सॉरी फॉर यू आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, लेकिन मुझे तुझसे कोई पर्सनल नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारी चीज या फोटो वगैरह इधर यूज कर रहा हूँ मैं वीडियो में, तो अगर तुम चाहो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो, आई विल नॉट कीप इट ऑन माई चैनल। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक चीज जो एक मैसेज जो है मुझे लगा मुझे देना चाहिए, वो मैं देना चाहता था। तो रोस्टिंग करो, सब लोग बोलते CarryMinati करता है गालियां, अरे CarryMinati का कैरेक्टर है तुम देखो, लेकिन वो किसी को पर्सनली 1-to-1 गाली नहीं देता, वो बंदा ऐसा नहीं है यार। तुम जैसे चार लोंडे इकट्ठा हो गए, चार लड़के इकट्ठा हो गए, बातें करते हैं तो कैसा फ्री फ्रेंडली, तुम चार दोस्त इकट्ठा होकर कैसी बातें करते हो, एक दूसरे को कुछ भी बोलते हो ना, तो वो वैसे खिंचा करके बातें बोलता है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग्स यार। वो किसी को पर्सनल लेवल पे गाली नहीं देता, ठीक है ना। किसी को झगड़ा करना, लाइक वो आई थिंक झगड़ा करना सही रहेगा, झगड़ा हिंदी में झगड़ा ही बोलता है ना भाई साहब। मैं बता दूं यार कि मैं गुज्जू बंदा हूँ, तो हिंदी में शायद थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा आई थिंक यही वर्ड होगा, झगड़ा करना, है ना। झगड़ा करना और किसी की खिंचाई करना बहुत डिफरेंट है, और किसी को गाली देना भी बहुत डिफरेंट है। और ये भाई साहब को बहुत कुछ था। तो गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगा कि इंडियन गर्ल्स जो गेमिंग में बढ़ रहे हैं, तो अपनी मेहनत से बढ़ रहे हैं यार, अपना खुद का बना के खाते हैं, किसी से मांगने तो नहीं जाते ना। अभी वो चाहे मेकअप लगाए या चाहे फिर कपड़े खरीदे या गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाए या कुछ भी करे, जो तुम्हारे वीडियो में तुमने बोला था सबके लिए यार, उनकी लाइफ है, उनको वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे उनको ये सब करना पड़ता है। दे हैव टू मेक देयर नेम एज देयर ब्रांड, उनके लिए वो बिजनेस है, जॉब है, पूरा 7 to 8। जैसे मैं जॉब करता हूँ यार अपना, तो मैं डेडिकेशन देता हूँ, वो इधर डेडिकेशन देते हैं, सब लोग अपना अपना करते हैं भाई। तो मत रखो ऐसा बैर किसी गर्ल्स के लिए, ऐसे के लिए। अभी जो बड़े यूट्यूबर्स बन गए तो बन गए क्योंकि उनकी मेहनत से बने, तुम भी बन सकते हो भाई, ठीक है ना, तुम भी बन सकते हो, कुछ अच्छा करो तो आराम से बनोगे, क्या बात कर रहे हो। कोई भी यूट्यूब इतना बड़ा कम्युनिटी है, तुम्हें यार इंडिया की पॉपुलेशन देखो कितने लोग देखते हैं, तो कुछ भी करो यार, लेकिन अच्छा करो, पब्लिक को पसंद आएगा तो तुम्हें अपने आप आगे लेके जाएंगे, तुम्हें कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है। तो भाई जो भी रोस्टिंग के वीडियो बनाते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा गाइस कि रोस्टिंग के वीडियो में बनाओ, लेकिन आप अपना चैनल बनाना चाहते हो तो बनाओ, लेकिन एक फनी वे में बनाओ यार, ऐसा मत करो। मैंने अभी इधर लिखा था सलोनियापा का, आप उनके वीडियो देखो यार, वो रोस्ट करती है, ठीक है, वो एकदम आप देखो उनके वीडियो में। मैं और मेरी वाइफ दोनों रात को सोते वक्त हम फेसबुक में देखेंगे ना, तो 1-2 वीडियो उनके देख के सोते हैं, क्योंकि मजे आती है, लाइक हंसी रहती है यार रात को, है ना। बंद करो ना वीडियो तो लाफिंग तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है कि अरे क्या बोल के गई ये लड़की, ठीक है ना। मैं तो वो क्या बोलते हैं यार, जोगिंदर, मेरो भाई, तारो भाई जोगिंदर का भी वीडियो देखता हूँ यार, उसका भी फन लगता है। वो भी एक ऐसा बंदा है कि कुछ भी बोल देता है, कोई लेवल नहीं होता, कोई जॉइंट्स नहीं है, कुछ भी बोल देता है वो, तो उसका भी देख के फन लगता है। तो वैसे बनाओ यार वीडियो, तुम कुछ ऐसा मत करो, किसी के लिए हेट रेट मत रखो। और इन्होंने उनके वीडियो में यार काफी बड़े बड़े यूट्यूबर के अभी नाम लिए हुए, तो हो सकता है भाई इन बंदों ने उनका कुछ लीगल एक्शन वगैरह कुछ लिया हो, तो भाई एक वार्निंग देके छोड़ दो, बंदा काफी अपसेट है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। होपफुली ही अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक नाउ। एंड भाई क्रिंजर, तुम्हें भी बोलूंगा कि भाई कुछ अच्छा करो अपनी स्किल्स के, आपको गेम खेलना आता है तो गेमिंग पे वीडियो बनाओ, अगर आप स्ट्रीम नहीं कर सकते उनके जैसा तो आप रिकॉर्ड करके वीडियो एडिट करके डालो, वैसा भी कर सकते हो। कुछ अलग टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाओ, कुछ इन्फॉर्मेटिव पे वीडियो बनाओ, काफी कुछ कर सकते हो यार, ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे कंटेंट अच्छा है तो पब्लिक अपने आप तुम्हारे चैनल देखने आएंगे, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये आपका आखिरी वीडियो है इस वाले वीडियो के सेक्शन में तो अच्छी बात है, लेकिन आगे ही ऐसा करोगे तो शायद भाई फिर तो यार भगवान बचाए आपको, ठीक है। तो मैं आपको मेरा कुछ हेटरेट नहीं है, आई डोंट नो यू एंड आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस और एनीथिंग, और आई डोंट नो इवन पायल गेमिंग और लाइक सायरस और व्हाटएवर जो आपने नाम दिए, मैं किसी को नहीं जानता पर्सनली ऐसा कुछ भी, और मैं उनका फैन नहीं हूँ। मेरा सबसे बड़ा फैन है MortaL, आई लव MortaL, ठीक है ना। तो नमन भाई आई लव यू चैनल के वीडियो के द्वारा बोल रहा हूँ यार, मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे डायनेमो भी नहीं, मैं CarryMinati like they are good people, I like them, but MortaL सबके लिए, मेरे लिए MortaL ऊपर है सब इन सब में, ठीक है ना। तो आई रियली लाइक दैट पर्सन, तो मुझे उसका कुछ पर्सनल है नहीं, तो ऐसा मत करना। और अगर आपको लगे कि भाई मैंने आपका वीडियो ये दिखा के कुछ किया है आपको, तो आपको बुरा लग रहा हो तो मुझे बोल देना, मैं तुरंत डिलीट कर दूंगा, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा भाई सबके लिए, सॉरी भी बोल दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना गाइस। तो देख लो, और अगर आपको देखना है तो यार मैक्सप्ले के वीडियो देखो, क्या बंदी है, क्या वीडियो बनाती है इसका यार, ये सब वीडियो देखना, जो भी ओमेगल वाले वीडियो है ना, अबे खत्तर वीडियो है। मनन देसाई अपने गुज्जू भाई कहाँ गए, मनन देसाई की वीडियो देखो, मैं तो उनके भी वीडियो देखते रहता हूँ, कहाँ गए यार। कैरी के तो वीडियो सब ही देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मोटल भाई के भी वीडियो हम देखते हैं, मनन के दी वीडियो, मनन भाई के वीडियो देखो भाई, यार गुज्जू में है, ठीक है, जो भी गुजराती बंदे भाई इनके वीडियो देखो यार। सैल्यूट टू यू मनन भाई, आई लव यू माई फ्रेंड, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, तो काफी है, ठीक है। तो बस यही बता रहा था गाइज, अगर तुम कुछ करना चाहते हो अच्छा तो अच्छा करो, लेकिन डिफरेंट तरीके से करो, ये चीजें मत करो, ठीक है ना गाइज। ऑलराइट गाइज, यही बताना था, इसी के लिए वीडियो बनाई थी, मैंने सोचा कि शायद इसको डाल दूं, मैं सोचता हूँ ऐसे ही रॉ वीडियो ही डाल दूं, क्योंकि मैंने एडिट वेडिट तो करना है नहीं, मैं तो एकदम से आलसू बंदा हूँ, वैसे एडिट वेडिट नहीं करता। ये नीचे वाले वीडियो अगर मेरे चैनल में एडिट दिखेगा तो किसी ने मुझे करके दिया है, मैं करता हूँ नहीं, बहुत ही आलसू। तो यही वीडियो डालनी थी गाइज, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज देख लेना यार, शेयर कर देना, और क्रिंजर भाई को भाई आगे से ध्यान रखो, और पायल गेमिंग सबको एक रिक्वेस्ट है भाई, जो भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर है इधर, ठीक है, सम्राट भाई, स्मार्ट भाई, सम्राट भाई और मैक्स ट्रेन और साइरस भाई, आपको एक रिक्वेस्ट है भाई, आप जो भी बड़े, आप बड़े यूट्यूबर हो, एक छोटा बच्चा इसको समझ, ऐसा समझ के माफ कर दो भाई, उसको एक वार्निंग दे दो, शायद उसको उसकी गलती पता चल गई है, और देखो अगर कुछ हो सकता है तो, ठीक है ना, क्योंकि ये भाई के भी सब्सक्राइबर काफ़ी हो गए थे, 1 पॉइंट से ज़्यादा हो गए थे, और वो हैप्पी थे, लेकिन अभी ये सब हो चुका है, ये देखो अभी इधर सॉरी सब ने लिए लगा दिया है, उन्होंने ट्विटर पे कुछ जा रहा है जो थंबनेल है इनका, या देखना ऐसा कुछ है भाई, ठीक है ना। तो ये सब देख लो भाई, ट्विटर पे सब देख लो, जो भी बनता है हो सकता है तो करो यार, और सपोर्ट करो सर यार एक दूसरे को, छोटे मोटे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो। मैं तो, मेरा तो यही उद्देश्य है कि भाई इंडिया का नाम यूट्यूब में सबसे आगे आए, सभी माइलस्टोन हम इंडिया में ही लेके जाए यूट्यूब वाले, क्योंकि बाहर वालों के पास बहुत सारे माइलस्टोन है, ठीक है ना भाई, काफी लोग हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस, इतना ही है, कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो एक छोटी सी बात थी मुझे जो बतानी थी गाइस। तो अगर आपको कुछ करना है ढंग का, तो कुछ काफी अलग अलग वीडियो बनाओ यार, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ये सब रोस्टिंग के वीडियो बनाते हो, लेकिन खिंचाई वाले बनाओ, गाली देने वाले मत बनाओ, लाइक किसी को गाली मत दो, तुम खिंचाई में गाली देते हो दैट इज डिफरेंट स्टोरी, लेकिन पर्सनल लेवल पे मत जाओ, अटैक होता है वो पर्सनल लेवल अटैक रहता है, वो ऐसा मत करो, तो अच्छा रहेगा सबके लिए, और यू मे बी गेट ट्रबल एज वेल आई बिलीव। और अगर किसी को ऐसा लगे कि भाई ये वीडियो में उनके नाम लिए गए हैं, या फिर उनको ऐसा लगे कि यहाँ पे उनकी बिना परमिशन के, तो भाई आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं है कि भाई मुझे आपको पूछना चाहिए नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैंने बोलना चाहिए तो मैं बोल दिया, और अगर आपको ऐसा लगता हो तो मैसेज कर देना कभी भी, कोई भी जगह पे, कहीं पे भी, और मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा गाइस, ठीक है ना, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच बॉयज, लव फ्रॉम वांटेडनूब, बाय बाय।